पश्चिम बंगाल के कोलकाता में डॉक्टर का रेप और मर्डर। इस खबर ने टीवी स्क्रीन पर दबदबा बनाया हुआ है। ये मामला शांत भी नहीं हुआ था कि अब मुंबई के थाने में 4 साल की 2 मासूम बच्चियों के साथ छेड़खानी की गई। अब पूरे शहर में बवाल मच रहा है। इस केस ने फीमेल सेफ्टी पर एक बार फिर से क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। दरअसल ये मामला थाने जिले के बदलापुर का है। ये घटना 14 अगस्त की है। बात फैलते ही स्कूल को 5 दिनों के लिए बंद कर दिया गया था। पीड़ित बच्ची के परिवार का आरोप है कि स्कूल ने FIR दर्ज कराने में मदद नहीं की, जिसकी वजह से FIR दर्ज होने में समय लगा। इस मामले के बाद स्कूल प्रशासन ने स्कूल की प्रिंसिपल, टीचर और लेडी अटेंडेंट को सस्पेंड कर दिया है। पुलिस ने बताया कि जिस जगह ये घटना हुई वहां CCTV कैमरा नहीं था। पुलिस ने बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करने वाले स्कूल के स्वीपर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम अक्षय शिंदे है। बता दें, अक्षय को थर्ड पार्टी कंपनी के जरिए स्कूल में सफाई कर्मी के तौर पर रखा गया था। आरोपी ने गर्ल्स वॉशरूम में बच्चियों के साथ घिनौनी हरकत की है। फिलहाल गुस्साए पेरेंट्स और आम लोगों ने पूरे शहर में जबरदस्त प्रदर्शन किया। बवाल इतना बड़ा है कि लोगों ने स्कूल में तोड़फोड़ कर दी और रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। बता दें, इसके बाद पुलिस ने लोगों को हिरासत में भी लिया है। FIR में देरी की वजह पुलिस भी है। आरोप है कि पुलिस ने मामले को दबाने की कोशिश की, पर जैसे जैसे मामले ने तूल पकड़ा, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। हम आपको ये भी जानकारी दे देते हैं कि बदलापुर रेलवे स्टेशन पर चल रहे विरोध प्रदर्शन की वजह से UP और बिहार से आने वाली कई ट्रेनों को अलग अलग जगहों पर रोका गया है। इससे यात्रियों को भी काफ़ी परेशानी हो रही है। ऐसे में पुलिस ने भीड़ पर काबू पाने के लिए हवाई फायरिंग भी की है। बदलापुर में प्रदर्शन लगातार बढ़ रहा है। स्कूल के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। इस मामले की जाँच के लिए SIT की टीम बनाई गई है। देश में आज भी बंगाल में हुई घटना की आग जल रही है। देश भर में मेडिकल स्टाफ वुमेन सेफ्टी की मांग कर रहे हैं। इस बीच थाने से आई इस खबर से लोगों का गुस्सा और बढ़ गया है। सवाल है कि देश की बेटियां आखिर कब महफूज हो पाएंगी। लोकल 18 के लिए मुंबई से विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट।